मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बाने गॉसिप में। जो लोग मुझ पे उंगली उठा रहे थे कि निमरित कौर आलूवालिया इस हफ्ते की कैप्टन है, मैं उनके लिए एक प्रूफ ले आई हूँ क्योंकि निमरित इस हफ्ते कैप्टन बिल्कुल नहीं है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आखिरकार कैप्टन कौन है। चलिए आप लोगों को बताती हूँ ये लेटेस्ट अपडेट। और आप लोग भी काफी सारी जगहों पर जाते हैं और आप लोगों को लगता है कि भाई वो लोग सही बोल रहे हैं, ये लोग सही बोल रहे हैं, ये गलत बोल रही हैं, तो मैं हमेशा ही आप तक सच्ची से सच्ची अपडेट पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। कुछ चीजें इधर उधर हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, मैं भी भाई इंसान हूँ, भगवान तो नहीं हूं, पर ऐसी चीजें जो कि निमृत की है ये लोग मुझे बोल रही हैं, मेरे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक आंसर ले आई हूँ, एक प्रूफ ले आई हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तीन दावेदार बने थे और चुनाव चिन्ह भी था, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तीन दावेदार अब्दू शिव और एमसी स्टैन थे, वो कैसे बने उसके बारे में भी मैंने बता दिया। और निमृत क्यों नहीं बनी, क्योंकि वो नॉमिनेटेड थी, इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि शिव ठाकरे और अब्दुल रोजिक और निमृत जो है घर के नए कैप्टन बन गए। मैंने आपको बताया था कि एक ही कैप्टन है अभी निमृत जो है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पिक्चर देखी है तो कैप्टन घर का कोई काम नहीं करता है, निमृत जो है घर का काम करती हुई नजर आ रही है, रोटियां बनाती हुई, किचन में शॉपिंग करती हुई, कुछ कुछ चीजें करती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली जो है निमृत घर की नई कैप्टन नहीं है, अब्दुल रोजिक घर के नए कैप्टन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शिव ठाकरे जो है इस हफ्ते घर के नए कैप्टन है, जो कि तीन दावेदार चुने गए थे और दूसरे लोगों को दावेदार चुना ही नहीं गया क्योंकि वो शायद इस हफ्ते नॉमिनेटेड है और जो लोग सेफ हैं उनको ही दावेदार चुना गया है। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।